हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी राधिका आर्टिस्ट। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो पहले तो मैंने हाफ शीट पे लाइट पिंक फिल कर लिया उस पेंटिंग के लिए, और मैंने इसमें 3 कलर यूज़ किए हैं। आप चाहो तो 4 कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने इसमें लाइट कलर इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें अलग ही लुक लाती है। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ तो अब मेरा पिंक कलर कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने ब्लू कलर उस पर फिल किया। तो मैंने इस ब्लू कलर को डार्क ब्लू और वाइट को मिक्स करके इस्तेमाल किया। आप लाइट कलर यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास लाइट ब्लू अवेलेबल नहीं था, तो मैंने डार्क ब्लू और वाइट को मिक्स करके लाइट ब्लू बना दिया। तो जैसे हमने पिंक में पूरा हाफ पार्ट को फिल किया था, वैसे हमको ब्लू में भी करना है। अब मैंने स्पॉन्ज लेके इसको अच्छे से मर्ज कर देना है दोनों कलर को। स्पॉन्ज से ज़्यादा अच्छे से मर्ज होता है। अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो आप पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे स्पॉन्ज इजी लगा और मेरे पास अवेलेबल भी था, तो मैंने स्पॉन्ज से मिक्स कर दिया। तो उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम नेक्स्ट कलर पर बढ़ेंगे, मीन्स जो ब्लू के ऊपर वाला कलर रहेगा। अब मेरा ब्लू कलर अच्छे से मिक्स हो गया पिंक के साथ, और फिर मैंने नेक्स्ट कलर ग्रीन लिया, लाइट ग्रीन। तो उसे भी अच्छे से मून पूरे उस जो बचा हुआ था हाफ शीट को उस पर कलर कर दिया, और उसको भी ब्लू के साथ मर्ज कर देना है। और नाउ अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैंने पहले इस पर नीचे वाले में पिंक किया था, तो अचानक से रेड कहाँ से आ गया। बिकॉज मैंने जब ब्लू और रेड पिंक को मर्ज किया था, तो ब्लू वाला कलर पिंक पे लग गया था। वेल, मैंने ट्राई किया था उसको सही करने का, बट वो नहीं हुआ, तो मैंने उस पर ऊपर से रेड कलर कर दिया।
तो अब मेरा ग्रीन कलर भी अच्छे से हो गया, तो अब मैंने ग्रीन एंड ब्लू को अच्छे से मर्ज कर दिया, जैसे मैंने पिंक एंड ब्लू को किया था, पर वो पिंक नहीं रहा है, रेड हो गया है, तो वैसे ही मैंने ग्रीन एंड ब्लू को कर दिया। तो अब मेरा ग्रीन कलर अच्छे से मर्ज होने के बाद मैंने इस पर गुड वाइब्स लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, पर मुझे गुड वाइब्स से अच्छा लगा तो मैंने गुड वाइब्स से लिख दिया। यू कैन राइट एनीथिंग। एंड पेंटिंग करते करते मेरी टेबल पे भी पूरा पेंट लग गया है। Thanks for watching my video and please like, subscribe and comment, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए और मैं वैसी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।